सोदनी जी की कार्यक्रम आज्ञा की है कि ये आनंद इंद्रादिक देवों को दुर्लभ। त्रिशत्तमे हरि प्रीतो लीला काम कृतामपि इंद्रादि दुर्लभो चक्रे स्वानंदार्थ मितीर्यते। रसात्मकस्तु यह काम, ये काम कैसा है? रसात्मक, सोत्यंतम गूढ़ एव ही, अत्यंत गूढ़ है। इस रस को कौन झेल सकता है? कहावत है कि शेरनी का दूध या तो उसके शावक के मुंह में टिक सकता है, अथवा बोलो, ये सुना है ना? धोते तो हमने देखा नहीं किसी को, सुना है ऐसा? धोआ होगा किसी ने सोने का लोटा ले जाके या बड़ा बर्तन ले जाके? कहते हैं ऐसा दो जगह, या तो सिंह के शावक में या और कहीं नहीं। तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, ये प्रेम क्या? कामाख्यं सुख उत्कृष्टम, ये सुख उत्कृष्ट है, मोक्ष आदि के अनंत सुख नौछावर इसके ऊपर। उत्कृष्टम कृष्णो भुंगते, इसको कृष्ण ही भोग सकते हैं, झेल सकते हैं। कृष्णो भुंगते न चापर, दूसरा नहीं। कृष्ण का रस है, कृष्ण ही देते हैं, कृष्ण ही ले सकते हैं, तो क्या करें? कृष्ण देना चाहते हैं तो क्या करें? जैसे माता का बेटा छोटा है, 5-7 साल का, पिताजी है नहीं, और माताजी ने जो कुछ संग्रह किया है, उस जमाने में चांदी के रुपए होते थे, सोने आदि होते थे, कागजी मुद्रा नहीं थी, माता के प्राण निकल रहे, क्या करें, किसको संभलावे? बड़ी पोटली, मैं ज्यादा दिन की नहीं हूं, क्या करूं? तो उस पोटली को यदि छोटे बालक के सिर पे धरे, उठा के चल सकता है? बोलो बेटा, ये सब तेरे काम आएगा, मैं तो ज्यादा दिन की नहीं। गड्ढा खुदवाया, बच्चे को सौंपा, तो सिर पे इतना भार माता ने बच्चे पे रख दिया, क्या माता उठा पुत्र उठा सकता है? देखो, दिया उसको देना है, तो दिया माता ने, लेकिन उस पोटली को बालक भी पकड़े है और साथ में माता भी पकड़े है, बोझ कौन उठाए हुए है? तब बालक लेके चल। तो ऐसे ही भगवान ने उत्कृष्ट रस भक्तों को दिया, तो पहले उसको झेलने के लिए भगवान ही अंदर विराजे, तब रजभक्त उसको झेल पाए। रसात्मकस्तु यह काम सोच्यंतम गूढ़ एव ही, अत्यंत गूढ़ है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आजकल के कुछ कुतर्की, अन्य धर्मावलंबी नहीं, हमारे हिंदू भाई, क्या है लीला? क्या है? मैंने कहा भगवान ने आप जैसों के लिए कहा है कि मूढ़ जन मुझे नहीं पहचानते, ये मेरी लीला क्या जानेंगे? भगवान ने कहा अब जानती मां मूढ़ा मानुषी तम तनु माश्रितम, मैं मनुष्य तनु धर के जब लीला करता हूं, ये मूढ़ मुझे पहचान ही नहीं पाते। परम भाव मया जंतो मम भूत महेश्वरम, जानते नहीं। गाली दे दी, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नरा धमा, कौन है जे नरों में अधम, जानते नहीं। माया प्रहत ज्ञाना आसुरंग भाव माश्रिता, ठाकुर जी कह रहे हैं आज सातवां दिन है, मेरी गीता का तो स्पर्श ही नहीं किया इन्होंने, आ गई बात, नहीं पहचान। मेरा जन्म भी अलौकिक है, मेरा कर्म भी अलौकिक है। देखो श्री विट्ठलनाथ जी ने भगवत प्रेरणा से एक बहुत लीला रसात्मक ग्रंथ प्रकट किया जिसका नाम है श्रृंगार रस मंडल। क्या लिखा? हाँ, साधारण वस्तु नहीं है, लेकिन इस ग्रंथ को लिखने से पहले के श्लोक लिख दिया। क्या लिखा है श्रृंगार रस मंडल में? प्रार्थ हे रसिका स्वरई पश्यन तन्वत महर्निशम एतद रसानाभिज्ञास्तु भाद्राक्षी दपि वैष्णवाहा। विट्ठलनाथ जी लिख रहे हैं आप यद्यपि वैष्णव हो, तिलक लगाते हो, कंठी पहनते हो, सेवा करते हो, लेकिन सुनो, जब तक इस रस का स्पर्श नहीं है, इससे आप अनभिज्ञ हो, तो कृपा करके कंठी पहनो, नाम जपो, सेवा करो, मेरे इस ग्रंथ को खोल के मत देखना, अभी तुम इसके पात्र। प्रार्थ है, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थ है रसिका स्वरई पश्यन तन्वत महर्निशम एतद रसानाभिज्ञास्तु, इस रस से आप अनभिज्ञ हैं तो
भद्राक्षी दपि वैष्णवाः बलिया वैष्णव। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस रस की अधिकारिणी आज कौन बनी है? बोलो ब्रज की गोपियां। हमने एक दिन सुनाया था, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु से कहा है कि मैं देख के आया हूं 60,000 वर्ष मैंने तपस्या की है, गोपियां कौन है? न स्त्रियो ब्रज सुंदरिय पुत्रता श्रुतया किल। हे प्रभु, हे पुत्र, ब्रज की गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं है, वेदों की ऋचाएं हैं, उनका रहस्य कौन जान सकता है? ना हम शिव शेषस्य श्रीष्य ताभी समा क्वचित। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, 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 गोपाल राधे नंदलाल राधे, गोपाल राधे नंदलाल राधे। जय हो राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोपाल राधे नंदलाल राधे, गोपाल राधे नंदलाल राधे। जय हो राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे। जय जय श्री राधे। तो गोपियां ऋषि हैं, श्रुतियां हैं। देखिए, इसलिए उद्धव जी ने कहा था, भगवत्युत्तम श्लोके भवती भिरनुत्तमा भक्ति प्रवर्तिता दृष्ट्या मुनीनामपि दुर्लभा। जो भक्ति मुनियों को दुर्लभ है, उस भक्ति को प्रकट करने वाली कौन है? जगत को भक्ति का परिचय देने वाली कौन है? ब्रज की गोपियां। उद्धव जी ने कहा है। और कौन सी भक्ति प्रकट करी है? सत्यम भिन्ना परम सर्वोत्तमा, सबसे अलग और सबसे उत्तम। आपकी भक्ति सबसे भिन्न है और सबसे उत्तम है। इस वस्तु को पाने के लिए तो श्रुति भीर भी मिग्रियाम, श्रुतियां भी मृग्य खोज रही हैं कि हमें यह चीज प्राप्त हो पाए। श्रुति भीर भी मिग्रियाम अब तक ढूंढ नहीं पाई। श्रुतियां विचार करती रही कि हमने इस भक्ति का वर्णन तो कर दिया है, लेकिन उदाहरण कोई नहीं है। और उदाहरण कौन बनी? वे ही श्रुतियां गोपियां बन के आई, रास लीला का जब आस्वादन किया तो जगत को बता दिया कि उस भक्ति की, उस प्रेम लक्षणा भक्ति की उदाहरण भी हम ही हैं। और वो अधिकार हमको ही श्री कृष्ण प्रदान किया है, ऐसा उद्धव जी महाराज की आज्ञा किए। तो इस भक्ति को प्रकट करने वाली, इसका उदाहरण भी गोपियां ही हैं। गोपियों से पहले इस भक्ति का नाम मिलता है, परिचय मिलता है वेदों में, लेकिन इसका उदाहरण, इस भक्ति को प्राप्त करने वाला कोई उदाहरण नहीं मिलता है। तो उदाहरण भी कौन बन गई है? गोपियां। इसलिए सत्यम भिन्ना परम सर्वोत्तम, सबसे उत्तम। इन्हीं भक्तों के लिए भगवान की लीला है। कृष्णस्तु केवलम लीला करोति रस रूपिणीं भूभार हरणम चक्रे कलाभ्यामेव सर्वथा। धरती का भार हल्का करना, सुरों को मारना, ही तो कला के अवतार के काम है। स्वयं भगवान तो यही लीला करके भक्तों को आनंद देते हैं। लेकिन इसका स्वाद कौन चख पाता है? इस लीला का मर्म कौन समझ पाता है? जिसको ब्रज का, ब्रज के रसिक जनों का, भक्तों का संग मिल जाए और ब्रज का रंग लग जाए। परमानंदा जी ने कहा, लगे जो श्री वृंदावन को रंग, लगे जो श्री वृंदावन को रंग, लगे जो श्री वृंदावन को रंग। सब गाइए। लगे जो श्री वृंदावन को रंग, लगे जो श्री
वृंदावन को रंग। माइक लगा दीजिए, माइक है क्या? मन के मेल सबे छूट जई है, मन के मेल सबे छूट जई है, और विषयन को संग, और विषयन को संग लगे जोशी वृंदावन को रंग लगे। ब्रज का कृष्ण प्रेम का रंग लग गया, जिसको सारी विषय वासनाएं निकल जाती हैं। राधावर सेवत और सुमीरत, राधावर सेवत और सुमीरत, उपजत लहर तरंग, उपजत लहर तरंग। राधावर ठाकुर जी की सेवा करने से और अष्टाक्षर का जाप स्मरण करने से, भगवत कृपा से उसके अंदर आनंद की तरंग लहरा। सखी भाव सहज होए छीन में, गोपी प्रेम का अनुभव होता है उसको। सहज होए छीन में पुरुष भाव होए भंग, लगे जोशी वृंदावन को रंग, लगे जोशी वृंदावन को रंग। अभिमान सबे छूट जई है, थोड़ा आगे आ लीजिए। देह अभिमान सबे छूट जई है, मन सा हो ये अपंग, मन सा हो ये अपंग। कल कुछ बच्चे हमसे प्रश्न कर रहे थे कि अभिमान कैसे मिटे। देखो तरीका परमंदा जी बता रहे, भजन सेवा में प्रवृत्त होने से शनै शनै देह अभिमान, कोई भी अभिमान, मन अपंग हो जाता है। अपंग माने लंगड़ा, या भागो के मांग कहीं नहीं भागो, भगवान के चरणों की ओर भागो, वो मन वहीं जाता। परमानंद नंद नंदन भजे, परमानंद नंद नंदन भजे। परमदास जी कह रहे हैं भगवान के भजन से मीठी है कोटि अनंग, मीठी है कोटि अनंग, लगे जो वृंदावन को रंग लगे। मिटे हैं कोटि अनंग, कोटि कोटि वासनाएं बह जाती, चली जाती, जिसको ये चस्का लग गया, जिसको ब्रज रस का आस्वादन हो गया। बोलो रास बिहारी लाल की, पूरे ब्रह्मांड में नित्य लीला।
जहां देखो वही रास। ये सौर मंडल में सब ग्रह घूम रहे हैं, किसकी प्रेरणा से बोलो? कण कण में रास है, अणु परमाणु, परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मंडलाकार, सब रास ही रास। ये भगवान की शक्ति ब्रह्मांड में संचार कर रही है सब जगह। बोलो रास बिहारी लाल की। महारास हुआ, चंद्रमा स्थिर हो गया, एक रात्रि की अवधि 6 महीने की हो गई, रात एक ही है। जो रास में नहीं है आए हैं उनके लिए वो रात एक रात, और रास वालों के लिए कितनी लंबी हो गई? 6 महीने। ये कोई समर्थ है ऐसा करने में? षडमासी हो गई। जैसे भगवान मिथिला पधारे थे, कथा है ना भागवत में, तो राजा बहुलास आए मेरे यहां पधारी है, और एक निष्कंचन ब्राह्मण आए, महाराज मेरे यहां पधारी है, दोनों को आज्ञा दे दी। तो चतुरंगिणी सेना के साथ भगवान पधारे, सबको साथ लेके कहां गए? राजा बहुलास के, कि वो सबका स्वागत कर सकते हैं सेना का, और निष्कंचन ब्राह्मण के यहां चल के पधारे अकेले। उतने ही समय में दोनों को सेवा दी, आतिथ्य स्वीकार किया, तो ब्राह्मण को कैसा लगा? मेरे यहां विराजे एक दिन, और वो एक दिन बहुलासुर राजा को कैसे लगा? महीनों निकल गए मेरे यहां इतने समय तक ठाकुर जी विराजे। तो ये सामर्थ्य भगवान की है, इसलिए कहा जाता है भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा अकर्तुम समर्थ है। मुझे बताइए, आज हमारे देश में विदेश में सबने शरदोत्सव मनाया, वहां तो अभी सवेरा है, तैयारी हो रही होगी, सब लगे हैं उत्सव मनाने में, सबने सामग्री भोग धराई है ना, सफेद सामग्री आज दूध की खीर तो विशेष धरी होगी सबने, सब धरे, बढ़िया है, सबने धराया, किसी ने इतना, किसी ने इतना, किसी ने और ज्यादा, लेकिन अरोगने वाले कृष्ण ठाकुर जी श्रीनाथ जी तो एक ही है। आज कितना अरोग है, और किसी के घर ऐसा बोले कि देखो आज खीर ज्यादा भोग मत धरना, मैं उनके यहां जिम के आया हूं, अच्छी तरह से भोजन करके आ रहा हमारा। ये सामर्थ्य कैसी है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा, ईश्वरी लीला है। जब श्रमित हुई हैं गोपियां, तो ठाकुर जी राधा सब ब्रजभक्तों के साथ यमुना जल विहार के लिए पधारे, शव निवारण के लिए। सौम्यस्यलं युवती भी परिशिच्यमाना प्रेम्णोक्षितः प्रहसति भीरितस्तदोङ्ग, प्रेम्णोक्षितः प्रहसति भीरितस्ततोङ्ग, वैमानिकैः कुसुमवर्षिभिरीड्यमानो रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्रलीला, रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्र लीला। भगवान की लीला सुनाते सुनाते सुखदेव जी कह रहे हैं, हे अंग, परीक्षित को क्या संबोधन कर दिया? अंग माने जो हमारा शरीर, वैसे तुम तो तुमसे कोई छुपाव नहीं है, इसलिए हमने अपने हृदय का भाव आज आपके आगे प्रकट कर दिया। तुम योग्य हो, अधिकारी हो, इसलिए हमने वर्णन किया है। सौम्यश्यलम युवती भी परिशिच्यमाना, जमुना जी में पधारे भगवान, चारों गोपियां अंजलि में जल भर भर के यूं उलीच रही है, मानो आज कामदेव को पराजित किया है, मूर्छित हो गया है भगवान की एक कृपा दृष्टि पड़ते ही, तो विजय हुई है इसलिए अभिषेक कर रही है भगवान। प्रेम्णोक्षितः प्रहसति भीरितस्ततोङ्ग, हास करती हुई गोपियां जल में खड़ी कटी पर्यंत भैया जलू लीच रही है, अभिषेक कर रही हैं, प्रेम बड़ी दृष्टि से निहार रही हैं, और आकाश में देवता वैमानिकैः कुसुम वर्षिभिरीड्यमानो, देवता दिव्य फूल की वर्षा कर रहे हैं, और
भगवान की ईड्य स्तुति कर रहे हैं। आज कैसा लग रहा है? रे मे स्वयं स्वरतिरत्र गजेंद्र लीला, भगवान ने अपने आप में ही ये लीला की है, अपने साथ ही आपने लीला की है। स्वयं स्वरति शब्द देखिए, स्वयं ने स्वयं को रति माने प्रेम वर्धन के लिए स्वयं के साथ लीला की है। ये क्या हो गया? आत्मरमण। गोपी में कौन है? कृष्ण। और जो रस दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, वर्धन कर रहे हैं, वो प्रेम तत्व कृष्ण, देने वाले कृष्ण, लेने वाले कृष्ण, और रस भी कृष्ण, और झेलने वाले गोपियों के अंदर भी कृष्ण। तो बोले कृष्ण को ये आत्मरमण लीला करनी है तो गोपियों को माध्यम क्यों बनाया? यही तो कृपा है, यही तो कृपा है। जैसे आमरस मौसम में पीते हैं ना, आमरस, तो आम को लाए और रस निकालते हैं, तैयारी कायम होती है कटोरे में, है ना, कटोरा भर गया, भोग लगा लिया, अब उस कटोरे से अपन पी भी रहे, बनाने वाले भी स्वयं और पीने वाले भी स्वयं, लेकिन बीच में लाभ किसको मिला? कटोरे, बोलो, कटोरे में नहीं भरा जाता तो अमरस पिया कैसे जाता? फिर तो वो चूसना हो जाता आम का, चूसा आम नहीं है ये, तो अमरस वाला आम है, हापुस आम है। तो पहले रस निकाला बर्तन में और फिर निकालने वाले नहीं पिया है, तो रस को प्रकट करने वाले कृष्ण, ग्रहण करने वाले कृष्ण, लेकिन बीच में पात्र माध्यम बनाया गोपियों को, तो उस कटोरे को वैसे ही अमरस मिल गया। इस तरह से भगवान ने इनको ये अपने प्रेम रस का आस्वादन कराया, इनको अधिकारी बनाया, ऋषि वेदों की ऋचाएं पधारी है और इसको प्राप्त करके कहा कि वेद में हम कहते थे न इति नेति नेति, अब समझ में आया कि वो आगे का रस ये है, वो ये, इसलिए लोक वेदातीत लीला है, सबसे परे की लीला। कैसी लीला हो रही है? जैसे गजराज जल में लीला करता है, गजेंद्र लीला, ऐसा दृष्टांत दिया है शुक्ति जी महाराज। बोलिए रास बिहारी लाल की। अभी नंददास जी के दर्शन करिए, नंददास अष्टछा भगवती तुलसीदास जी के भ्राता, जमुना जल में उलीचा जल, पहले डुबकी लगाई गोपियों ने और उसके बाद गले पर्यंत जल में यूं बैठ गई, देख रही है श्री कृष्ण को, तो धड़ जल में और मुख जल के ऊपर और मुख की बगल में खिले हैं कमल, यमुना जी तो कमल तल के ऊपर और गोपियों का मुख कमल तल के ऊपर है। अब भक्त कभी कहना चाहते हैं कि यमुना जी में जो खिले कमल थे वो यमुना जी की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन गोपियों का मुख कमल तो उससे भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब ये कहें कैसे? कहने का तरीका देखिए, मुख अरविंदन आगे, अरविंद माने कमल, मुख अरविंदन आगे जल अरविंद लगत अस, अरविंद माने कमल, जल में खिले हुए कमल और खिल गए मुख कमल। अब कहना ये चाह रहे हैं कि मुख कमल की शोभा इनसे ज्यादा हो रही है, तो कैसे कहा? भोर भये भवनन के दीपक मंद परत जस, जैसे घर में दिए जल रहे हो रात्रि में तो दिए प्रकाश करते हैं, दिए चमकते हैं, और प्रातःकाल हो सूर्य निकल आवे तो है? ठीक ही हो गई ना आवा। तो ऐसे ही यमुना जी में जो कमल खिले थे वो यमुना जी की शोभा बढ़ा रहे थे, लेकिन जब सूर्योदय होता है तो जैसे दीपक की आभा फीकी हो जाती है, बगल में गोपियों के मुख कमल प्रकट होते ही उन कमल की शोभा इनके आगे फीकी हो गई। कहने का तात्पर्य है कि कमल जो यमुना जी में खिले उनसे ज्यादा सुंदर गोपियों के मुख कमल के दर्शन। मंजुली अंजुली भरी भरी पिय कोतिय जल मेलई, जनु अली सो अरविंदई ब्रंद मकरंदई खेलई। कमल में मकरंद है और भोरा आया मकरंद लेने, तो कैसे दर्शन हो रहे हैं? मानो कमल अपने मकरंद को फेंक रहा है भोरे के ऊपर, जाओ। तो कमल क्या है? गोपियों के हस्त। श्याम भ्रमर कौन है? कृष्ण है। जैसे कमल मकरंद फेंक रहा है, ऐसे गोपी अपने हस्त कमल में जल भर भर के भ्रमर श्याम मधुसूदन के ऊपर जल फेंक रहे, ऐसा लग रहा है। क्या महाराज, ब्रज साहित्य अद्भुत है।
रुचिर द्रगंचल चंचल अंचल में झलकतयस सरस कनक के कंजन खंजन जाल परत जस। जल में डुबकी लगाई तो साड़ी मुख पे आ गई है, अब चिपक गई है अंग से, मुख से साड़ी चिपकी हुई है, मुख पे आ गई है, अब चिपक गई साड़ी मुख पर आ गई तो कैसी ओट कर ली अथवा तो कैसी लग रही है, मानो सोने के कमल में खंजन पक्षी बंद हो गया है। स्वर्ण कमल क्या है, गोपियों का मुख और खंजन पक्षी नेत्र, ऐसी झांकी हुई। जल विहार लीला, यहां सूरदास जी दर्शन करा रहे हैं कि राधा कृष्ण की जल विहार लीला कैसी सुंदर हो रही है जमुना जी में। बोलो राधे रानी की, बहुत सुंदर पद है, राधे छिरकत छींट छबीली, राधे छिरकत छींट छबीली, राग हमीर हमीर हे राधे छिरकत छींट छबीली, छबीली छवि से भरी राधा जल के छींटे भगवान पे छिड़क रहे। कुछ कुमकुम कंचुकी बंद छूटे, कुछ कुमकुम कंचुकी बंद छूटे, छिटक रही लटगीली राधे, छिटक रही लटगीली राधे छिरकत छींट छबीली, छिटक रही लटगीली। अब जल से क्या हुआ, बेंदी रोरी की मांग भरी सिंदूर से, वो जल से क्यों बह रही, इधर सिंदूर है इधर रोरी। बंदन सिर ताटंक गंड पर, बंदन सिर ताटंक, ताटंक माने कुंडल, गंड स्थल माने कंधे पे, बंदन सिर ताटंक गंड पर, रतन जटित मणि नीली राधे, रतन जटित मणि नीली राधे छिरकत छींट छबीली, राधा जी के आभूषणों में कौन सी मणि जड़ी है, नीलम, क्यों नीलवर्ण कृष्ण है, कृष्ण पीला पीताम्बर पहनते हैं और राधा नीले रत्न नीलम के आभूषण धारण कर। गति गयंद मृगराज सुकटी पर, गति गयंद मृगराज सुकटी पर, शोभी गति कैसी है, गयन हाथी जैसी, कमर कैसी है, मृगराज सुकटी पे, मृगराज माने सिंह जैसी पतली कभी, शोभित किंकिनी ढीली, कमर में लहंगा उसके ऊपर किंकिनी माने करधनी है ढीली, तो जब होली च रही है और यो लहरा रही है कमर में, खेल मचो यमुना जल अंदर प्रेम मुदित रस झीली, भगवान यो जल छोड़ रहे हैं, राधा यो जल छोड़ रही है, जब भगवान जल फेंके तो यो कर रही है, अब एक हाथ से बच रही है दूसरे हाथ से फेंक रही है।
जल विहार लीला हो रही है, तब क्या हुआ? बार बार जल भगवान ने उलीचा, बार बार राधा ने उलीचा, तभी ठाकुर जी ने हाथ लंबा करके श्री राधा जी की कलाई पकड़कर उनको जो खींच लिया और दस लगा दिया। तब कैसी शोभा है? नंद सुवन भोज ग्रीव विराज, नंद सुवन भोज ग्रीव विराज, भाग सुहाग भरीली राधे, भाग सुहाग भरी राधे छिरकत छी, राधे छिरकत छी कभी। बरसत सुमन देवगण देख, बरसत सुमन देवता फूल बरसा रहे देवगण, दुंदुभी सरस बजीली बजीली, दुंदुभी सरस बनी, देवता सरस दुंदुभी बजा रहे हैं। श्याम श्यामारस क्रीड़त, सूर श्याम श्यामारस क्रीड़त, यमुना तरंग थकीली राधे, यमुना तरंग थकीली राधे, छिड़कत छींक कभी थकीली, यमुना जी की लहरें थक गई, स्थिर हो गई, बहना बंद हो गया। छिरकत थी छिरकत थी ए छिरकत थी छवि राधे, कृष्ण कन्हैया लाल की रेमे स्वयं स्वरति रत्र गजेंद्र लीला, अपने आप से ही प्रेम बढ़ाने की लीला कर रहे हैं श्री कृष्ण, अपने ही प्रेम को अपनी लीला के द्वारा अपने ही स्वरूप में वर्धन कर रहे हैं। शुभदेव जी वर्धन कर, क्या लीला है, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत हमारा सौभाग्य जिन लोगों के भी हृदय में प्रेरणा की कि इस अवसर पर ये प्रसंग हो, मैं तो उनको वंदन करता हूं। महाराज कोई भी हो सकते हैं, शरद पूर्णिमा आज रास के श्रृंगार धरे हैं घर में, ठाकुर जी को सामग्री भोग धरी है और इस समय रास महोत्सव जो प्रारंभ हो गया है, हम लोग बैठ के चंदा के भी दर्शन हो रहे हैं, यहां से चंदा के सानिध्य में खुले में भी है और बंद में भी है, रास बिहारी की मधुराती मधुर लीला श्रवण कर रहे हैं महाराज। बस आज रासोत्सव में भगवान के श्री चरणों में यही विनती है कि जब जब हमारा भाव शिथिल हो जाए ऐसा संयोग बना दिया करो। और मैं तो अपने आप के लिए मनोरथ कर रहा हूं, ये कलकत्ता वाली वैष्णव का दर्शन करा दिया करो, क्योंकि यहां जो भाव आता है, बहुत जगह कथाएं होती है, मैं सच कह रहा हूं, पता नहीं क्या प्रभाव है, भूमि का कहूं यानी वैष्णव के भाव का कहूं, और जगह प्रयास रहता है कि थोड़ा भाव की वृद्धि हो, लोगों में भाव बढ़े, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं या मैं क्या बढ़ाऊंगा, आप ही मेरा भाव बढ़ा देते। आप सबका बहुत स्नेह है, बरसों से आपका ऐसा ही स्नेह है, सदा ऐसा ही बना रहेगा, मुझे विश्वास है। युवल स्वरूप के श्री चरणों में खूब खूब दंडवत, खूब खूब वंदन। रास बिहारी लाल की ये लीला का वर्णन हुआ। परीक्षित ने प्रश्न किया है बहुत जल्दी, क्योंकि महाराज गरबा भी होगा ना, ज्यादा लंबा नहीं।
संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वरः। परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, धर्म की सम्यक प्रकार से स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए जो जगत के स्वामी हैं, ईश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, वो भगवान अंशेन जगदीश्वरः, वो अंश व्यूह स्वरूप बलदेव जी के साथ अवतार लिए, ठाकुर जी के स्वरूप का ज्ञान है उनको। सकथम धर्म सेतु नाम कर्ता वक्ता भी रक्षिता प्रतीपमाचरत ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम्। हे ब्रह्मन्, धर्म की मर्यादा रक्षा करने वाले, धर्म की मर्यादा रक्षा जो करते हैं उनको भी रचने वाले स्वयं श्री कृष्ण। ज्ञान है परीक्षित को सब बात, जो धर्म मर्यादा का पालन करते हैं उनकी बात नहीं, जो धर्म मर्यादा की रचना, जो मर्यादा को बताते हैं ग्रंथों के द्वारा, शिक्षा देते हैं, उनको भी रचने वाले भगवान है। फिर भगवान ने धर्म विरुद्ध ये लीला कैसी की, परदारा विमर्शनम। फिर पूछा, आप कामो यदुपति ही कृतवान वही जुगुप्सितम। यदुपति श्री कृष्ण आप तो काम है, उनको कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं। फिर ये लीला कैसी, किम अभिप्राय तंग न संशय छिंदी सुब्रत। इस शंका में एक बात देखिए कि उनको पूर्ण स्वरूप ज्ञान है, पूर्ण महात्म ज्ञान है, फिर ये पूछ रहे हैं किम अभिप्राय, कुछ तो कारण होगा ना, मैं अभिप्राय जानना चाहता हूं कि भगवान ने ये विरुद्ध लीला क्यों की, लोग विरुद्ध लग रही है सुनने में। तो इन प्रश्नों में बहुत से टीकाकारों का ये भाव है, कुछ कहते हैं कि परीक्षित को लीला में शंका हुई, प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने विषय बदल दिया, आगे और सुनाना चाहते थे, होरी हिंडोरा मान दान लीला, विषय बदल दिया। कुछ का ये मत है किम अभिप्राय, क्या अभिप्राय इसका, परीक्षित को लगा कि रास का वर्णन हो चुका है और आगे लोग सुनाएंगे सुनेंगे, तो किसी के मन में यदि शंका उठ गई तो समाधान करने के लिए सुखदेव जी तो पधारेंगे नहीं, इसलिए मैं ही प्रश्न करके इनके मुख से ही समाधान करा लूं, जिसे कल को शंका हो तो उसका उत्तर सुखदेव जी के द्वारा ही प्राप्त, ऐसा भी मत है। तब सुखदेव जी ने समझते हुए इस बात का समाधान किया। श्री शुकोवाच, धर्मम व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम तेजी असान दोषाय वन्ने सर्वभुजो यथा। परीक्षित, धर्म की जो मर्यादा बनाने वाले हैं, ऐसी ईश्वरीय सामर्थ्य वाले जो लोग हैं उनमें भी देखा गया है ऐसा कार्य करने का साहस सब में नहीं हो सकता। तुमने जो प्रश्न किया है, तेजी अक्षाम न दोषाय वन्ने सर्व भुजो यथा, जैसे महान तेजस्वी अग्नि, अग्नि सर्व भक्षण कर लेती है, लेकिन अग्नि को दोष होता है क्या, अग्नि कभी अपवित्र होती है, क्यों, तेजस्वी है। दीपक घर में जल रहा है और घर की वस्तु के स्पर्श में आ जाए तो सारे घर को फूंक दे, अपने जैसा बना दे, है ना, चारों अग्नि जलने लगती है, लेकिन क्या पीछे हम अग्नि का प्रयोग करना छोड़ देते। उसी प्रकार धर्म की स्थापना के लिए पधारे स्वयं भगवान का कोई प्रेम से भजन करे तो भगवान उसको अपने स्वरूपानंद का दान करते हैं, अपने आप को उसके अंदर स्थापित कर देते हैं और कृपा करके उसको अपने तुल्य बना देते हैं, और तुल्य बनाने के बाद भी ये ज्ञान रखते हैं उसके हृदय में कि मैं दास हूं, ये मेरे स्वामी, अहम ब्रह्मास्मि सोहम, ये अवस्था नहीं होती उसकी। और जो ईश्वर नहीं है, सुनिए दूसरा दृष्टांत दिया सुखदेव जी ने, कि यदि साधारण व्यक्ति विष पी ले, कालकूट विष पी ले तो क्या होगा, मृत्यु निश्चित है, तो जब उसकी मृत्यु निश्चित है तो उसको पाप लगेगा आत्महत्या का, इसने विष पी लिया, और कोई विष पी ले और न मरे तो दोष लगेगा क्या। तो सुखदेव जी ने कहा शिवजी हलाल पी गए, जहर पीना अपराध क्योंकि मृत्यु होगी या आत्महत्या है, और शंकर जी जहर पी गए
तो उनकी आलोचना हुई क्या? क्यों? कालकूट विष साधारण विष नहीं है, साधारण व्यक्ति पी ले तो मर जाए, ये निंदनीय कर्म है, विष पी रहा हो उसको रोकना चाहिए है। लेकिन शिव जी की शोभा बढ़ गई जहर पीने से। बल्लभाचार्य जी सोदनी में इसकी पंक्ति खोल के कह रहे हैं, निंदितं कर्मापि कालकूट वन नाशकम्। निंदित कर्म है, कालकूट पीने से मृत्यु हो जाती है, लेकिन शंकर जी ने विष पी लिया तद ईश्वरस्यैव शोभा करणम्। शिव जी के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये विष पीना ईश्वर शिव जी की शोभा हो गई। कैसे हो गई? ये नीलकंठो भवति। जहर पीने से शिव जी क्या हो गए? नीलकंठ। और रासलीला करने से श्री कृष्ण, येन नीलकंठो भवति तथैव गोपीजन वल्लभीति। ये गोपीजन वल्लभ हो गए रास करने से, और वो जहर पीने से नीलकंठ हो गए। दोनों की महिमा बढ़ गई, क्योंकि दोनों समर्थ हैं, तेजस्वी हैं। महाराज क्या सुंदर समाधान कर रहे हैं शिवा। और देखिए फिर समझाया कि प्रत्येक गोपी क्या है, प्रत्येक जीव के अंदर कौन है? जीव अंश है, भगवान अंशी है, कण कण में कोई जड़ चेतन सब भगवान का ही स्वरूप है। तो ये लीला क्यों की तुमने ये पूछा? तो परीक्षित को कहा, ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, सब बोलिए। अनुग्रहाय भक्तानां, अनुग्रहाय भक्तानां, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए लीला की है भगवान ने। हम जो भागवत में लीला सुनते हैं किस लिए? हम पे कृपा करने के लिए। क्यों? मानुषं देहमास्थितः, भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए। भक्त जैसे मनुष्य देह वाले हैं ना, तो भगवान ने भी अप्राकृतिक मनुष्य देह धर के अवतार लिया और लीलाएं की। क्यों लीला की? कि इन लीलाओं को सुने और मेरे स्वरूप को देख के मेरी सेवा करे तो इससे क्या होगा? ये मुझसे विमुख नहीं होगा, इसकी दुर्गति नहीं होगी, मेरा ही अंश है ये और मुझे ही प्राप्त होगा। ये लीला गान करके, लीला सुन के मुझे ही प्राप्त हो, ये मुझसे विमुख ना हो, इसलिए लीला की है। कौन के लिए? भक्तों के लिए। अनुग्रहाय भक्तानां, अनुग्रहाय मानुषं देहमास्थितः, भजते तादृशी क्रीडा, यः श्रुत्वा तत्परो भवेत्। यः श्रुत्वा, इसको सुनने से जी भगवत परायण हो जाए, इसलिए ये लीला। यह श्रुत्वा, कृष्ण की लीला सुनने से आनंद होता है, उनकी लीला उनको ही शोभा देती है। कोई अनुकरण कर सकता है? आपको अनुकरण करना है तो कृष्ण ने जो गीता में आज्ञा की उसका कीजिए, और स्मरण करना है, गुणगान करना है तो जो भागवत में लीला है उसका कीजिए। अनुकरण हो ही नहीं सकता। आज तो गिरिराज जी छोटे हैं, शिखर शिखर रह गया है, उस समय कितने बड़े थे जब भगवान ने कनिष्ठ का उंगली पर धारण किए। तो जैसे ही आलोचना करते हैं उनसे कहो, गिरिराज जी छोड़ो, पहाड़ छोड़ो, तुम 50 किलो का एक पत्थर ही उठा के दिखा दो। सांप को देख के भाग जाते हो, वो तो नृत्य किए, प्रभु की कोई लीला का अनुकरण नहीं हो सकता है। और देखो कितनी शुद्ध लीला है, योग माया की रचना है, सब लीला योग माया के कारण है। ये स्त्रियां साधारण स्त्रियां नहीं है, वेदों की ऋचाएं ऋषि मुनि है। तो गोप घर में ही देख रहे हैं, जब गोपियां घर में ही हैं तो रास में गई वो कौन है? ये तो श्रुतियां हैं महाराज, भगवान के रोम रोम से प्रकट हुई गोपियां। नासुयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया, गोप तो भगवान की माया से मोहित हो गए हैं। मन्यमाना स्वपासर्विस्थान, अपने पासर में ही देख रहे हैं। स्वान स्वान दारान ब्रजौ, स्वान स्वान अपनी अपनी दारा माने स्त्रियों को घर में ही देख रहे हैं। अब आप इससे सोचिए क्या दिव्य लीला महाराज। जवाब, शरीर से घर में रहना और एक शरीर से लीला में जाना, ये क्या है सब? सच्ची घटना सुना रहा हूं, बहुत पहले की घटना है। तो उनके पिताजी हर महीने गिरिराज जी की परिक्रमा करने आते थे, नियम था। बहुत वृद्ध हो गए, 85 साल से ऊपर अवस्था हो गई, अस्वस्थ हो गए। तो दोनों बेटे थे, एक ने कहा पिताजी अब आप परिक्रमा का संकल्प मुझे दे दो, आपके नाम से मैं लगाया है।
नहीं बेटा मेरी आज तक नहीं चुकी है जब से ये शुरू की है, कैसे करूँ, अब शरीर में सामर्थ्य नहीं, मन मान नहीं रहा है। बहुत समझाया परिवार वालों ने, तो बेटे ने पिताजी का संकल्प लेके कि मैं परिक्रमा करके आ जाऊंगा, गए परिक्रमा लगाई गिरिराज जी की, दूध चढ़ाया, परिवार वालों से मिला हूं तभी ये सुना रहा हूं आपको, भोग धराया ठाकुर जी को। जब वो गिरिराज जी को सामग्री समर्पित कर रहे हैं मुखारविंद पे, तभी क्या देखा, पिताजी चले आ रहे। आप कैसे? अरे भाई ठीक हो गया, मैंने कहा मुझे अभी भेजना, भेजो, तू निकल गया या पीछे पीछे में आ गया, आओ चलो भोग, अभी भोग धरिए। आए दंडवत करी, चरण स्पर्श किए, गिरिराज जी को भेंट करी, सब हुआ। उपरना बेटे को उड़ाया पंडा जी ने, पिताजी को भी उड़ाया, दंडवत करी महाराज, और सब करके मुखारविंद से ले आए। वो जो चौक है ना, पहले वहां एसटीडी की दुकानें थी, अब तो फोन मोबाइल है सबके हाथ में। तो बेटे के मन में विचार आया कि पिताजी को चाय पीछे पिलाऊंगा, पहले घर फोन लगा दूं कि सब ठीक है, पिताजी है अच्छी तरह। उनको बिठा दिया, उनसे कहीं चाय बना दो, और वो फोन करने के लिए आए। जो फोन लगाया, माताजी जय श्री कृष्ण। अब माताजी रोई और पिताजी बस इतना बोल पाया, सो माताजी बोली, बेटा तुझे कैसे मालूम पड़ा, पिताजी तो तू गया है उसके बाद ही चले गए, उसके बाद ही और उनका संस्कार होने वाला है। रात की घटना है और सुबह है जी, और उनका संस्कार होना है। तो बेटा कह रहा है, कैसे कह रही है माता जी, अभी मेरे साथ पूजन किया है, दूध चढ़ाया है, भोग धराया है, अब आप बताइए जो अग्नि संस्कार के लिए पार्थिव शरीर वहां है, तो ये कौन सा शरीर है? अभी 30-35 साल की घटना है, अभी वो शरीर भस्म नहीं हुआ है, बिल्कुल वही सकल सूरत, वही कपड़े, वही सब चीज, ये कौन सा शरीर है? ये अलौकिक चिन्मय शरीर है। तो छोटे भाई से बात की, तू वहां सब कुछ कर और मैं आ रहा हूं। फिर उन्होंने जब सुन लिया तो स्पर्श नहीं किया। अब मन में तो यही आया कि पिताजी तो आ गए दंडवत करने महाराज, और जो वो वहां से मुड़ के फोन से बात करके आए हैं या कुर्सी पे बिठा के गए, उससे पूछा, भैया मैं बिठा गया था ना कि दो चाय तैयार करो, कहां चले गए? बोले पता नहीं कहां चले गए, मैं भी देख रहा हूं कहां चले गए। ऐसी सी लीलाएं होती। तो जिस शरीर से प्राण निकल गए, जो घर में है, जिसका संस्कार होने वाला है, वो शरीर अलग है, और जिस देह से वो यहां पुत्र से मिल रहे हैं, ये शरीर अलग है। तो लीला में जो गोपीजन पधारे हैं, वो प्रभु का स्वरूपात्मक स्वरूप है, भगवान की भगवान के साथ लीला हो रही है, अलौकिक चिन्मय लीला है, आज भी हो रही है। कहां कहां किस भक्त के यहां कैसी कृपा कर रहे हैं ठाकुर जी, ये तो प्रभु जानते हैं और भक्त जानता है। ऐसी भगवान की लीला नित्य। सुखदेव जी महाराज आज्ञा करते हैं, ये दिव्य लीला जो भी स्त्री हो पुरुष हो, धीरज धारण करके भगवान की इस दिव्य लीला को श्रवण करेंगे श्रद्धा से,